हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द गेमिंग प्रीस्ट। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट जो भी न्यू अपकमिंग अपडेट है 25 को। सो यहाँ पे कंटेंट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जो कि रेड और इमॉर्टल रेड का है। सो चल के एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चेंज होगा 25 को। सो सबसे पहले तो यहाँ लिखा है थ्रू 25 अपडेट रेड एंड इमॉर्टल कंटेंट विल बी रीऑर्गेनाइज। तो इस रीऑर्गेनाइज में क्या क्या चेंजेस होंगे हम लोग वो देखेंगे। तो रेड एंड इमॉर्टल रेड आर द एडेड द न्यू यूनिक कंटेंट, देयरफॉर द वुड लाइक द इन्फॉर्म यू द मेन चेंजेस सच एज द प्ले मोड रिवार्ड डिफिकल्टी एंड सो द बिफोर हैंड ऑफ द कंटेंट। सो इसका तो एक ये है और यहाँ पे नीचे हम लोग एक बार देखते हैं रेड विल बी रिकॉग्नाइज एज सिंगल प्लेयर। ओके, सो अभी तक जो हम लोग रेड कर रहे थे उस पर जो फोर प्लेयर लग रहे थे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंगल प्लेयर के साथ में ही सोलो खेल के आप जो है रेड कंप्लीट कर सकते हैं। तो इट्स एक्सेस बटन विल बी मूव फ्रॉम को ऑप टू पीवीपी। ओके, तो अभी क्या है कि जो को ऑप में रेड का हमको जो बटन या उसका जो भी सिंबल देखने को मिलता था, जो उसका लोगो था, वो अब उसको पी वी ई के कंटेंट में मूव कर रहे हैं क्योंकि वो अब एज ए सोलो खेलने के लिए हो गया है। इन दिस न्यू रेड मोड विल बी एबल टू चूज़ एंड बैटल अगेंस्ट थ्री काइंड्स ऑफ बॉसेस एंड एट डिफ़िकल्टीज़। सो ये तो जब आएगा तभी हम लोग देखेंगे कि जो तीन बॉस है शायद आप उसमें से किसी को एक को सेलेक्ट करके आप खेल सकते हैं, और उसमें एट डिफ़िकल्टीज़ लेवल हैं जैसे रेजिना में होता है स्टार्टिंग के लेवल में। वो कैसा होगा वो जब अपडेट आएगा 25 के बाद में ही हम लोगों को जो है कंफर्म एकदम पता चलेगा कैसे क्या होगा। और इमॉर्टल रेड कंटेंट विल चेंज टू 10 मिलियन। सो यहाँ पे जो सीपी था शायद वो बढ़ा दिया इन लोगों ने। देयर इज नो लॉन्गर डिफिकल्टी डिवीजन, नॉर्मल हार्ड वेरी हार्ड रेड विल बी आल्सो रिमूव द रिलेटेड अचीवमेंट। सो इमॉर्टल रेड का जो अभी नॉर्मल वेरी हार्ड और हार्ड था तो ये शायद रिमूव कर दिया इन लोगों ने। एक ही जैसा होगा, उसमें क्या होगा ये नहीं पता। और टिकट आपको थ्री ही टिकट मिलेंगी। सो ये कंटेंट रीऑर्गेनाइजेशन है, एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो जो चेंजेस रेड में हुआ है, बिफोर को ऑप मोड पे था तो आफ्टर ये सिंगल प्लेयर मोड हो जाएगा। जो पहले रिकॉर्डेड पावर थी वो 38K से 80K तक थी, और अभी क्या हो गया, मिनिमम जो है आपका सिंगल प्लेयर में 70K चाहिए और उसके बाद चाहिए 20.3 मिलियन के आसपास। और जो मेन रिवार्ड था इसमें रैंक एस प्लस रुएन ज्वेलरी, रैंक एस पॉलिश, और अब यहाँ पे जो आपको मिलेगा सोलो में उसमें मिलेगा आपको रैंक एस प्लस प्लस वेपन आर्मर एसेसरी रोइन ज्वेलरी। तो यहाँ पे एस प्लस प्लस का इतना आइटम मिलेगा आपको, एक मिलेगा, या तो वेपन मिल सकता है, आर्मर, एसेसरीज और रोइन ज्वेलरी, ये तीनों में एक मिलेगा। और ये शायद मेन बॉस आने पे मिलेगा कैसे क्या है। और रैंक एस पॉलिश जो कि नॉर्मल है, बॉस इस काउंटर वन ऑफ थ्री डिफरेंट बॉस विल बी अपेयर इसमें जो, और रेड बॉस इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये भी एक अच्छी बात है। सो नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। ठीक है, सो जो अभी इमॉर्टल रेड की जो हम लोगों की मिल रहा था उस पर क्या था, जो पहले था तो यहाँ पे अभी क्या था, 1 मिलियन से लेकर यहाँ पे 10 मिलियन तक का सीपी था। अब यहाँ से क्या हो गया, 10 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक का सीपी हो गया है। और जो रिवार्ड की बात करें अगर हम इसमें, तो इस पर खाली अपने में जो आफ्टर में आएगा उसमें कॉस्ट्यूम क्राफ्ट मटेरियल जो है ऐड हुआ है, और बाकी कुछ में नहीं है, बाकी सेम आपको वैसे ही मिलेगा जो मिल रहा था। और इस पे डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो नॉर्मल हार्ड वेरी हार्ड ये चेंज हो गया, नो डिफ़िकल्टी डिवीज़न हो गया। तो यहाँ पे जो अभी यहाँ पे डिवीज़न था वो हटा दिया है, एक ही रहेगा, वो कैसा रहेगा वो आने के बाद में देखेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट पे था, प्लीज़ नोट
तो इसको भी पढ़ना जो है, ड्यू टू द रिमूवल नॉर्मल एंड हार्ड लेवल्स इन इमॉर्टल रेड वी हाईली रिकमेंडेड क्लेम योर आर रिमेनिंग रिवॉर्ड टू द 25+5। तो ये आपको जो अपना रिवॉर्ड हम लोग कलेक्ट करते हैं तो वो सब क्लेम कर लेना है 25 तारीख से पहले, नहीं तो वो जो रेड वाला है वो सब लैप्स हो जाएगा और इन्वेंट्री में आ गया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी अगर आपने वहीं पे रेड पे ही छोड़ दिया, वहाँ से कलेक्ट नहीं किया, तो वो शायद लैप्स हो जाएगा। और टिकट जो है तीन तीन ऑलरेडी मिल ही रही हैं, तो टिकट में तो कुछ खास बताया नहीं है। सो एक बार हम लोग जो है वापस चलेंगे। सो एक बार पैच नोट पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, पैच नोट में क्या है। सो अभी इसमें जो दिखा रहा था चेंजेस ऑफ रेड में, अभी को ऑप मोड में अप टू 3 प्लेयर्स अगर आ जाते हैं तो आप खेल पाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिंगल प्लेयर मोड कर दिया है। और जो इमॉर्टल रेड है इस पे जो सेम ही है, उसमें कुछ नया तो दिया नहीं है इन लोगों ने। हाँ बस ये है कि जो आपका जो रिवॉर्ड है, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ द नॉर्मल हार्ड लेवल्स इमॉर्टल रेड वी हाईली रिकमेंडेड क्लेम योर ऑल रिमेनिंग रिवॉर्ड बिफोर 25-5। सो ये है कि आपको अपना जो भी रिवॉर्ड है वो कलेक्ट करना है आपको, और नहीं तो जितना भी आपका जो कंटेंट है वो आपका सब लैप्स हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। सो चलिए एक बार हम लोग गेम पे चल के देखते हैं कहाँ पे था। सो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं ये जो इमॉर्टल रेड जो तीसरे नंबर पे है ये वाला, सो ये सॉरी ये रेड वाला, सो ये जो है यहाँ पे, तो ये हट के यहाँ पे कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इन तीनों के बीच में कहीं भी आके ऐड हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे बस तीन ही बचेगा। हो सकता है जो न्यू रेड जुलाई पे दे रहे हैं तो वो शायद यहाँ पे ऐड करें, क्योंकि वो अलग है कुछ, शायद हो सकता है। और जो इमॉर्टल रेड की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये जो नॉर्मल हार्ड और वेरी हार्ड इसका जो भी है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये हट के डिफ़िकल्टी नो डिवीज़न पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट जब आप टैप करेंगे, तो यहाँ पे अब जब आप टैप करेंगे, जब ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे, तो आप जैसे ही इसमें भी इस पे टैप करें या इस पे टैप करें, तो वो डायरेक्ट आपको जो है गेम में लेके जाएगा। सो अभी क्या है, जो डिवीज़न इन लोगों ने ऑलरेडी जो बता रहे हैं वो चेंज कर दिए हैं। सो चेंज ही हो गया है डिवीज़न का। और सो देखते हैं हम लोग नई अपडेट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। सो और अभी बात करें तो यहाँ पे अभी कैरेक्टर भी मुझे अपना इन्हें रिफ़ाइन करना है, जो कि मैं नेक्स्ट अपडेट में करूँगा। और जैसे कि देख रहे हैं अभी मैंने टोटल जो एल स्टोन 525 टोटल कलेक्ट कर लिया है, जो कि मैं डेली अपने 5 कैरेक्टर से खेल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी 250 मिलियन एबब है और आर्चर को छोड़ के 250 मिलियन है, बाकी सब लो हैं। तो उस पर से मैं ट्राई कर रहा हूँ 9 एटलीस्ट स्टोन कलेक्ट कर रहे हैं। सो वो भी एक दो दिन के अंदर मैं वीडियो बनाऊंगा। सो होप यू गैज लाइक वीडियो, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टाटा बाय बाय एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू गैज वॉचिंग माई वीडियो।